रांची के आड्रे हाउस में आदि दर्शन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेमिनार के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में देश के सभी हिस्सों से प्रतिनिधि पहुंचे हैं। कॉन्फ्रेंस में 12 एकेडमिक सत्र होने हैं। हर सत्र में ट्राइबल कल्चर के अलग अलग आयामों पर विभिन्न विद्वान अपना प्रेजेंटेशन देंगे। आदिवासी समुदाय के रहन सहन, खान पान, दिनचर्या और कला संस्कृति समेत अन्य विधाओं पर चर्चा होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन डॉक्टर राम दयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा किया गया। आज यहाँ सभागार में आदिवासी दर्शन विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित हमारे साथ माननीय राज्यपाल महोदया, विदेशों से आए हुए विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए प्रतिनिधिगण, दार्शनिकों, प्रधानाध्यापक, आप सबका भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धु कान्हू, वीर बुद्ध भगत की पावन धरती पर, क्योंकि वहां पर गन्ने की खेती कर गन्ने की योजना है। एक गन्ना क्विक भी बोलते हैं और उस एक से एथोलिन बनाने की सरकार की योजना है। एथोलिन कई चीजों में काम आता है। डीजल जैसी चीजें भी बनाने के उपयोग में आता है शायद। और आज तो गौरानी समूह अपने परंपरा, संस्कृति, सभ्यता को लेकर जड़ समेत वहां से उखड़ चुका है। ऐसे ही मलेशिया की भी स्थिति है। मलेशिया के कई समुद्री तटीय किनारे आदिवासी समूह का एक बहुत बड़ा क्षेत्रों में ये बसते थे। समुद्र के मछलियों को मारकर अपना जीवन यापन, उनका व्यापार, उनके साथ अपना सामाजिक संस्कृति के साथ अपने लंबी यात्रा निरंतर करते आ रहे थे। वहां की सरकार ने वहां पर सी पार्क की योजना बना रखी और आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आज उस क्षेत्र दुनिया में सबसे अधिक आदिवासी समूह को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है और आए दिन ये बातें वहां से उठ के आती हैं। यह हमें आप समझना होगा। आज हम झारखंड में यहां कई खनिज संपदा निकालने के लिए कई आदिवासी समूह को उनके जमीन जायदादों से बेदखल किया गया। आज यहां बहुत बड़े बड़े कारखाने लगे, चाहे किसी कहे बोकारो स्टील प्लांट कहे, टाटा स्टील जैसे उद्योग घर आने कहे, चाहे बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर कहे, बड़ी बड़ी चीजें यहां पर स्थापित हुई। लेकिन मुझे लगता है कि यहां के आदिवासी समूह उसका लाभ आज के दिन में उस तरीके से नहीं मिल पाया जिसकी परिकल्पना सरकार ने की। आज इस मैं समझता हूं ये ऐसा समूह है जो समूह अपनी परंपरा संस्कृति को आज से नहीं, ना जाने कितने वर्षों से अपने सीने से लगा के चल रहा है। आप मोहनजोदड़ो की बात करें, हड़प्पा संस्कृति की बात करें, अगर आप वहां गढ़ खुदाई करने जाते हैं, वहां के कोई अवशेष आपको मिलता है तो आपको पता चलेगा कि उस समय जो मिट्टी के बर्तन वहां पाए जाते थे, वो मिट्टी के बर्तन में आज भी हमारे आदिवासी यहां खाना बनाते हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता नीलय सिंह। नीलय, जानना चाहेंगे रांची के आड्रे हाउस में आदि दर्शन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, क्या मकसद था इस सेमिनार का?
तो लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है हमारे संवाददाता से। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि देश के सभी हिस्सों से प्रतिनिधि पहुंचे थे और रांची में आदि दर्शन सेमिनार का आयोजन किया गया था। रांची के आरजे हाउस में आदि दर्शन सेमिनार का आयोजन किया गया था। राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस आदि दर्शन सेमिनार में शामिल हुए थे। इस कॉन्फ्रेंस में देश के सभी हिस्से से प्रतिनिधि पहुंचे थे। कॉन्फ्रेंस में 12 एकेडमिक सत्र होने हैं और हर सत्र में ट्राइबल कल्चर से लेकर अलग अलग आयामों पर विभिन्न विद्वान अपना प्रेजेंटेशन देंगे। आदिवासी समुदाय के रहन सहन, खान पान, दिनचर्या और कलाकृति समेत अन्य विधाओं पर चर्चा होगी। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता नीला सिंह। नीले, रांची के आरजे हाउस में आदि दर्शन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, क्या मकसद है इस सेमिनार का? जी देखिए, इस आदिवासी सेमिनार का जो मकसद है वो पूरी दुनिया में जो आदिवासियत है और जो ट्राइबल ट्रेडिशन है या आदिवासी संस्कृति है उसको कैसे बचाया जाए, उसको कैसे अक्षुण्ण रखा जाए, और साथ ही साथ ये भी इसमें किया जा रहा है कि जो भारत के जो आदिवासी समुदाय है उनकी क्या जरूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं और किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें 12 देशों से, अलग अलग देशों से भी प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और झारखंड के अलग अलग, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात करें या राजस्थान की बात करें या दक्षिण की बात करें, झारखंड तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है ही, कश्मीर से भी, लद्दाख से भी आदिवासी समुदाय के लोग आए हुए हैं और 3 दिनों तक ये सेमिनार चलेगा जिसमें कि आदिवासी रहन सहन, भाषा, संस्कृति, चुनौतियां, इसकी चर्चा होगी। उद्घाटन सत्र में आज राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना संबोधन दिया है और ये कहा है कि आदिवासी संस्कृति पर जितना शोध होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है, जितनी रिसर्च होनी चाहिए थी और इसका कोई लिखित इतिहास या कोई लिखित दर्शन बनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं ये बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन और विशेषकर आदिवासी धर्म पर पहली बार हो रहा है और इसे नाम भी दिया गया है आदि दर्शन पर। तो 3 दिनों तक ये सेमिनार चलेगा। आज उद्घाटन सत्र हुआ है, कुल 12 सत्र होंगे इसमें और समापन के दिन अर्जुन मुंडा जो कि झारखंड के ही सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं आदिवासी मामलों के, वो रहेंगे समापन समारोह दिन होगा। लेकिन इन तीन दिनों तक झारखंड में, रांची में एक आदिवासियत की एक नई धारा देखने को मिलेगी। जी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी नीला सिंह। तो आपको बता दें कि रांची के आरजे हाउस में आदि दर्शन सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें राज्यपाल और साथ ही सीएम भी मौजूद रहे। आदिवासी समाज के ऊपर ये पूरा फोकस करना है और